नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। मैं आपके साथ नौशीन परवीन। पेश है आपके सामने आज के मुख्य समाचार। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक को अपने छात्रों के साथ इसलिए अनुशासन और प्रोत्साहन का रिश्ता रखना होता है। मिली जानकारी के अनुसार माउंट इटेरा जैन स्कूल की 12th क्लास के स्टूडेंट ने अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल पर रिजल्ट के मार्क्स को लेकर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा कि कुछ दिन पहले ही हमारा CBSE 12th क्लास का रिजल्ट आउट हुआ। मैंने खुद उम्मीद लगाई थी कि मेरे मार्क्स 95 प्लस आएंगे, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड एग्जाम्स अच्छे हुए थे। छात्रा ने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। इस पर प्रिंसिपल ने बताया कि पेरेंट्स रिजल्ट को लेकर नाखुश हैं। दूसरा, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि कुछ बच्चों के साथ अन्याय किया है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो पॉलिसी 12th क्लास की बनी है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, पर पेरेंट्स मौका नहीं दे रहे थे। हमारे स्कूल का नेशनल एवरेज 44.64% दिया, मैक्सिमम 46.64 तक बढ़ा तो सकते हैं। ऑल ओवर एवरेज, इसमें एक IB का सब्जेक्ट था जिसमें नेशनल 33.3 थ्योरी में मार्क्स में दो बच्चे आने थे। हमने बहुत कोशिश की सभी बच्चों के साथ न्याय करने की। इस जगत पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हम उनको ऊपर वाली कैटेगरी में रख नहीं सकते थे, क्योंकि इसमें 14.29% स्टूडेंट हैं। अगर हम इनको कन्वर्ट करते हैं या फिर हम किसी स्टूडेंट को अंक बढ़ाकर कंप्यूटर में अपलोड करते हैं, तो कंप्यूटर इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए हमने दो बच्चों को बॉर्डर पर रखा, ताकि आने वाला भविष्य उनका खराब ना हो, और कोई भी स्कूल ये नहीं चाहेगा कि मेरे स्कूल का बच्चा कभी अच्छे मार्क्स ना लाए। इस जानकारी को समझाने के बाद पेरेंट्स ने बताया कि हमें आइडिया नहीं था कि CBSE के मानकों के अनुसार मार्क्स देने हैं, और प्रिंसिपल की हमने बात नहीं सुनी। हम गुस्से में थे। प्रिंसिपल से बात करने पर पता चला कि जो मार्क्स CBSE ने दिए हैं, उससे आगे ये मार्क्स नहीं दे सकते। 3 दिन पहले हमारा रिजल्ट आया, और जिसमें कि मैंने ये खुद उम्मीद की थी कि मेरे 95 प्लस तक आ जाएंगे, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स वगैरह सब अच्छे हुए थे, और इवन मैं प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 सब में प्रेजेंट थी और सब में टॉप पर थी। और जो मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ ही पढ़ती है, उसने वो भी मेरे साथ की थी, वो 2nd नंबर पे थी वो। और जब हमारा रिजल्ट आया, मैंने चेक किया, तो मेरे को स्कूल वालों ने 91% दिए, और मेरी फ्रेंड जिसने प्री बोर्ड 1 फिजिक्स केमिस्ट्री का दिया नहीं और प्री बोर्ड 2 में वो फेल है, उसको 95% दिए। क्या नाम है बेटा आपका? उन्नति जोहान। कौन सी क्लास में? मैं 12th में। और वो आपके साथ वाली? वो भी 12th। क्या नाम है उनका? कशिश। ये कौन से स्कूल का मामला है? माउंट इटराजी स्कूल, हरिद्वार। और ऐसे ही ये एक मेरे फ्रेंड है, इनके साथ भी यही हुआ है, प्रत्युष चौहान, इनको भी IB में फेल किया गया है। तबकि सरकार ने ये चीज बोली थी कि इस बार कोई बच्चा भी फेल नहीं होगा, 40 साल से पढ़ता हुआ बच्चा भी इस बार 10वीं में पास हुआ है, तबकि हमारे स्कूल वालों ने 2 बच्चों को फेल किया है, और वो भी कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में। फेल हो चुका हूँ, बस ये मेरे ख्याल से प्रिंसिपल की बदौलत हुआ है। और मैं CBSE से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है, ये आगे किसी के साथ ना हो, और मेरा रिजल्ट ठीक कराया जाए, क्योंकि मैं ही करूँ, और आगे और भी बच्चे हैं, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो बहुत गलत है। ये सब कमी प्रिंसिपल की है। इस देख के ही मार्क्स दिए गए हमारे, जैसे? जो स्कूल में आते ही नहीं थे, एब्सेंट थे, ऑनलाइन में नहीं आते थे, टीचर के साथ बदतमीजी हर चीज। और प्रिंसिपल सर ऐसे ही हैं, कोई मेड वगैरह होती है कभी उनको तमीज से नहीं बोलते, कभी तमीज से नहीं बोलते। हमारी क्लास चल रही होती है, मेड को अगर वो उनको पता होता कि इस तरीके से एडिकेट्स करने, तो वो क्या मेड होती? फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेड ही नहीं होती। वो अगर हल्का सा उन्होंने गेट खोल के डस्टबिन रख लिया है, तो ये भी लाइक अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है? अगर उनको तमीज़ होती तो वो मेड होती है क्या? नहीं ना। बढ़िया। इसमें दो चीज़ें सामने आई। पहला तो कि पेरेंट्स जो हैं, जो स्कूल का रिजल्ट से उससे नाखुश हैं। दूसरा, एक आरोप लगाया गया मेरे ऊपर कि हमने कुछ बच्चों के साथ अन्याय किया है। इन दोनों चीज़ों को मैं पेरेंट्स के सामने, और कुछ बाहरी लोग भी थे उसमें जो स्कूल से मतलब नहीं था, और कुछ पेरेंट्स थे जिनके बच्चे 12th में नहीं थे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या क्राइटेरिया है। मगर बार बार बीच बीच में बोल रहे थे कि वो दूसरे स्कूल में तो सभी 100% पास हैं, सबको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, उत्तराखंड में भी बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, आपके स्कूल को क्यों नहीं मिले? तो मैंने जो एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जो पॉलिसी टेबलेशन पॉलिसी बनी है क्लास 12th की, मैं उसको सामने रख के समझाया। एक दो सज्जन थे जो समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर बाकी जो बगल में बैठे थे उनको समझने की उनको मौका ही नहीं दे रहे थे। उनका यह था कि बच्चे, दो बच्चे कैसे फेल हो गए,
तो जो टैबुलेशन पॉलिसी है उसमें साफ एक ग्रेडेशन प्रॉपर्टी दी गई है। हमारा यहाँ स्कूल का नेशनल एवरेज 44.64 दिया, जो मैक्सिमम बढ़ा जो सकते हैं सीबीएसई के हिसाब से 46.64 तक बढ़ा सकते थे ओवरऑल एवरेज स्कूल का। इसमें क्या है कि आईपी का सब्जेक्ट एक था जिसमें लेस देन 33 थ्योरी में मार्क्स में बच्चे को दो बच्चे आने थे। हमने बहुत कोशिश की सभी बच्चों को साथ न्याय करने की, इस जगह पे हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हम उनको ऊपर वाले कैटेगरी में रख ही नहीं सकते थे क्योंकि इसमें जो है 14.29% स्टूडेंट्स 33 के लेस में आने थे। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं जो 15 बच्चे आईपी में थे उसके हिसाब से इसमें दो बच्चे आने अनिवार्य हैं। अगर आप किसी और ब्रैकेट में उस बच्चे को डालते हैं नंबर बढ़ा के, कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा और फाइनलाइज अपलोड रिजल्ट नहीं होगा। तो आप उनका कहना था किस मापदंड पे, कुछ मापदंड हमारे पॉलिसी कैलकुलेशन में दिया हुआ है, अगर बच्चा यहाँ पे अटक रहा है तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो हमने प्री बोर्ड के मार्क्स देखे, 11th के मार्क्स देखे, उसके बेसिस पे इन दो बच्चों का हमने बॉर्डर पे रखा। उनको समझ में नहीं आई, बॉर्डर माने पास करने वाला बॉर्डर, जैसे 80 में 27 नंबर चाहिए और वैसे ही 70 में 23 नंबर का चाहिए, 23.5 नंबर के, हम उनको 22 पे रोके क्योंकि 23 नंबर लेगा ही नहीं, 23 माने पास हो जाता है। तो हमारा एक इमोशनल नोट है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं 8 साल की उम्र से मैं अपने पैर पे खड़ा हूँ, मैं अपना रास्ता ना पाऊँ, मैं अपने को अपनी ज़मीर बेच के नहीं गया हूँ। सच है तो सच बोलूँगा, झूठ है तो झूठ बोलूँगा, ये मैं झूठ बोला हूँ, इतना तो मैं अपने पास, इतनी मेरी ह्यूमिलिटी है मेरे पास। मगर इस तरह की बात मैं अपने पेरेंट्स से उम्मीद नहीं करता, ये जो जितने भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चे से, अपने बच्चों से ज़्यादा मैं जो खुद के बच्चे उनके हैं पेरेंट्स से वो नहीं समझ पाए मैं जितना जानता हूँ। आपका प्रश्न मैं समझाने प्लीज, आप पेरेंट्स के लिए क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे जैसा आज व्यवहार आप बोल रहे हैं? सर आज व्यवहार देखिए, बच्चे भी थे उसमें, हमारे स्कूल के ही बच्चे हैं, उनके अगर आप बच्चों के सामने एक गुरुजन को, सो कॉल्ड गुरुजन, आज तो मैं गुरुजी का पद भी हटा दिया मेरा, तो अब गुरुजन के सामने अगर इस तरह की अभद्र भाषा दे तो हम क्या संस्कार देंगे? हो सकता है आपकी आपकी भावना है, आप उत्तेजित हैं रिजल्ट को लेके या कुछ भेदभाव को लेके, उस चीज को अपने पक्ष रखना आपका पूरा हक है, पूरा फर्ज है, मगर जोर जबरदस्ती दबाव करके किसी के जमीर पे चोट पहुंचाने का किसी का हक नहीं है। आपका हक है और सीबीएसई ने इस चीज को दिया है, जानता है इस तरह की इश्यूज आएंगे, उन्होंने एक रिड्रेसल बताया कि आप रिप्रेजेंटेशन दो, आप अगर प्रिंसिपल गलत है या स्कूल गलत है उस पर एक्शन होगा, नहीं है आपको समझाया जाएगा। दीपिका, हमें एक्चुअली में आइडिया नहीं था कि क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मार्क्स देने हैं सीबीएसई को, और सर की हमने बात नहीं सुनी। ठीक है, हम लोगों को थोड़ा सा गुस्सा इस बात पे आया कि मार्क्स कम हैं कुछ सब्जेक्ट में, लेकिन अभी जब हमने सर से बात की तो पता लगा कि जो मार्क्स सीबीएसई ने दिए हैं उससे आगे ये दे नहीं सकते हैं, चाहे बच्चा कितना अच्छा हो और चाहे जैसा भी वो अपने इसमें चल रहा हो, उसके अकॉर्डिंग तो मार्क्स ठीक हैं, बट थोड़ी प्रॉब्लम यही हो रही थी कि हमारे बच्चों के मार्क्स गड़बड़ हो रहे हैं। अभी हम सब सेटिस्फाइड हैं कि इसके आगे हम अब कुछ कर नहीं सकते हैं, जो हैं बस ठीक है, परफेक्ट है। पर सर को हम गलत ब्लेम भी नहीं करते हैं कि सर ने गलती की है, हमारा तो एक ही बच्चा है पर सर के तो सभी बच्चे हैं ना, सर की तरफ से भी हमें सुनना है कि सर ने हमें क्या समझाया, और अपने बच्चों को हम वही चीज़ समझाते हैं